हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल त्रस्या की रसोई। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टफ ढोकला इडली। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो चल स्टार्ट करते हैं हम हमारी स्टफ ढोकला इडली रेसिपी। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम बेसन, 200 ग्राम सूजी। सूजी और बेसन हमें सेम क्वांटिटी में लेना है। 5 चम्मच दही, इनो, बेकिंग पाउडर, स्टफिंग के लिए बॉयल किए हुए पोटैटोज। सबसे पहले हम बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम एक भगोनी में सूजी ऐड कर रहे हैं, बेसन ऐड करेंगे, इसी में दही ऐड कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें और पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है हमें, ढोकले के हिसाब से बनाना है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। एक चम्मच इसमें नमक ऐड कर देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। बैटर को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अब इसको ढक के 15 मिनट के लिए रख देंगे। स्टफिंग के लिए हम आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें आलू को मैश कर लेंगे। आलू को हमने मैश कर लिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुनी हुई जीरे का पाउडर ऐड कर देंगे इसमें, आधा चम्मच चाट मसाला ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्टफिंग के लिए मसाला हमारा रेडी हो गया है। 15 मिनट हो गए हैं, बैटर हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि अभी ये एकदम से अच्छा बैटर नहीं बना है, इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, मिक्स कर देंगे। कंसिस्टेंसी एकदम अच्छी हो गई है, देख सकते हैं आप। अब एक चम्मच इसमें इनो पाउडर डाल देंगे, इसमें हल्का सा लगभग आधा चम्मच पानी ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से इनो को। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे इसमें। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जैसे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमने यहाँ पर इडली प्लेट ले ली है और इसमें अच्छे से घी लगा लिया है। अब हम इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा सा बैटर ऐड कर देंगे। अभी स्टार्टिंग में हम थोड़ा थोड़ा ही करेंगे क्योंकि हमें इसमें स्टफिंग भी करना है। अब हम इसमें आलू का मसाला कर देंगे, स्टफिंग थोड़ा थोड़ा डाल देंगे इसमें। अब इसमें ऊपर से बैटर ऐड कर देंगे। और इसको स्टफिंग को एकदम से अच्छे से बैटर से ढक देंगे। बैटर को हमें ज़्यादा नहीं भरना है क्योंकि ये फूलती भी है बनने के बाद,
इसी तरह से हम बाकी प्लेट भी तैयार कर लेंगे। हमने हमारी सारी प्लेट्स तैयार कर ली है, अब हम इन्हें स्टीमर में कुक कर लेंगे। स्टीमर में हमने पानी ऐड कर लिया है, अब हम हमारी सारी प्लेट्स स्टीमर में रख देंगे। अब इसको ढककर 15 से 20 मिनट पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हम इन्हें कुक करेंगे। अब इसको ढक देंगे। अब हम इसको खोल के चेक कर लेंगे। एक चाकू लेंगे, इसमें डाल के देखेंगे। इडली हमारी अच्छे से बेक हो गई है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इडली हमारी अच्छे से बेक हो गई है, हमने इन्हें स्टीमर में से निकाल भी लिया है। अब हम इन्हें 2 मिनट ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, थोड़ी ठंडी हो जाएंगी, उसके बाद हम इन्हें इसमें से निकालेंगे प्लेट से। अब इस तरह से हम इसे साइडों से निकालते हुए चाकू से निकाल देंगे। इडली साइडों से चाकू से इसको निकाल देंगे, इससे आसानी से निकल जाती है। एकदम गर्म में जल्दी निकल नहीं पाती है। सारी इडली हमने निकाल ली है, अब हम ये ढोकला इडली है तो इनमें हम तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हम राई और हरी मिर्ची का यूज करेंगे। आपके पास करी पत्ता हो तो आप वो भी डाल सकते हो। तड़का के लिए हमने यहाँ पर पैन ले लिया है और इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें 1 चम्मच राई ऐड कर देंगे। अब इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। तड़का हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसको इडली के ऊपर डाल देंगे। ढोकला इडली हमारी तैयार हो गई है। आप इसमें तड़के में थोड़ा सा शक्कर भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि ढोकला थोड़ा मीठा होता है। यहाँ पर शक्कर नहीं डाला है। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।